दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका WhatsApp डिलीट हो गया तो आप उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। हो सकता है कि आपका WhatsApp डिलीट हो गया हो, या हो सकता है कि आपका WhatsApp हाइड हो गया होगा, आप मोबाइल में ही हो लेकिन हाइड हो गया हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा कि अगर डिलीट हो गया तो डाउनलोड कैसे करें, अगर हाइड हो गया तो उसको अनहाइड कैसे करें। तो आज की इस वीडियो का पूरी लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सिंपली हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर का आइकन ऐसा ही होता है, आपके मोबाइल में जहाँ कभी होगा सिंपली आप इसको खोल लेंगे। इससे ये मालूम चलेगा कि आपका WhatsApp रियल में डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डिलीट हुआ है तो सिंपली यहाँ से वापस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये जो सर्च बार दिख रहा है यहीं पर जाना, क्लिक कर लेना और उसके बाद यहाँ पर जो WhatsApp है सिंपली इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ओपन, इसका मतलब है कि मेरे मोबाइल में पहले से WhatsApp है। हो सकता है कि यहाँ पर ओपन के बदले इंस्टॉल लिखा हो और इसका मतलब होता है कि आपके मोबाइल में WhatsApp है ही नहीं। अगर इंस्टॉल लिख रहा है तो सिंपली यहाँ पर जो इंस्टॉल लिख रहा है सिंपली इस पर जाकर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में वो WhatsApp डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर ओपन लिख रहा है इसका मतलब कि मेरे मोबाइल में पहले से है। और ये ओपन लिखने के बाद भी अगर आपके मोबाइल में नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब कि आपका एप्लीकेशन आपका WhatsApp हाइड है। तो उसको अपन हाइड कैसे करेंगे, सिंपली आपको वो सेटिंग में चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना हाइड। जिस तरह से मैं सर्च कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको सर्च कर लेना होगा। किसी भी कंपनी का मालूम है सिंपली आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा हिडन ऐप्स, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना, क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि आपका पासवर्ड लगा होगा तो सिंपली आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के खोल लेंगे, आपके पास बिल्कुल कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा दो WhatsApp है दोनों मतलब कि अनहाइड है। और ये यहाँ पर एक ऐप्स है दैनिक भास्कर जिसको मैंने हाइड किया हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये इनेबल है। तो सिंपली अगर इस तरह से इनेबल होता तो मेरा WhatsApp बिल्कुल उस तरह से वहाँ पर नहीं दिखता। अगर आपका भी WhatsApp प्ले स्टोर से ओपन लिख रहा है और उसके बाद भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ समझ जाइए कि आपका WhatsApp जो है यहीं से ऑन है। तो सिंपली यहाँ से अगर ऑन होगा तो सिंपली यहाँ से आप उसको ऑफ कर देंगे और उसके बाद आपके मोबाइल में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी के साथ आपका WhatsApp बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने अनहाइड और हाइड किया था तो मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन जो था WhatsApp ये सबसे लास्ट में आ चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपके मोबाइल में कहीं भी होगा सिंपली ये फॉलो कीजिए, आपके मोबाइल में भी WhatsApp आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।